Hello class, so welcome to the accountancy class. In the previous class I had given you one question for homework. Now I am giving you that answer of that question. Here in that question your final balance will show cash account 43,700, stock 50,000, furniture 9,000, debtor 0, creditor 0, rent outstanding 800, commission advance 500, capital 1,04,000. ओके, सो अगर बाय चांस आपका आंसर नहीं आ रहा है तो पैनिक लेने की जरूरत नहीं है. एक बार फिर से अपने क्वेश्चन को ढंग से देखिए कहां आपने गलती करी है. न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकती है. और अगर तब भी कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी ट्रांजैक्शन में या किसी एंट्री में, मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसकी ट्रांजैक्शन कैसे पुट करनी है अकाउंटिंग इक्वेशन में बताऊंगा. ओके, सो आज मैं एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ विथ सम न्यू एंट्रीज. ठीक है, इसको आज हम शुरू करते हैं. ओके, लेट्स बिगिन. सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ रुपीज 1 लाख. सबको पता है इसकी एंट्री कैसे होगी क्योंकि हम इस क्वेश्चन की एंट्री को बार बार कर चुके हैं. तो हम कैश में कितना लिख देंगे, 1 लाख. कैपिटल में लिख देंगे 1 लाख. जब भी स्टार्टेड बिजनेस विथ होता है या कैश किसी से भी होता है तो उसकी ट्रांजेक्शन कैश में भी जाती है और कैपिटल में भी जाती है. ठीक है, नेक्स्ट है परचेज गुड फ्रॉम अमित 30,000. सो यहां पर इस एंट्री में लिखा है कि हम गुड परचेज कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हम कैश में कर रहे हैं. तो हम इसे अज्यूम करेंगे कि हमने सामान उधार में खरीदा है. तो परचेज गुड फ्रॉम अमित 30,000, आपने क्या करना है यहां पर, आपने 30,000 रुपीज को स्टॉक में शो कर देना है. क्लियर है? और अब उधार में खरीद रहा हूं सामान तो क्रेडिटर करके कॉलम बना लेना है अपने लायबिलिटी साइड पे, और 30,000 रुपीज आपने यहां पर शो कर दिया. क्लियर है? सिंपल तरीका है. ठीक है, इसके बाद आपने बनानी है न्यू इक्वेशन और अपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है. जैसे आपको बता रखा है मैंने, हर ट्रांजेक्शन के बाद आपको क्या करनी होती है, लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है. तो इसके बाद भी आप यहां पर पूरा लाइन ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, तो न्यू इक्वेशन हमारी क्या हो गई कि कैश हमारे पास है 1 लाख, स्टॉक हमारे पास है 30,000, क्रेडिटर है हमारे पास 30,000 और कैपिटल है हमारे पास 1 लाख. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सोल्ड गुड 20,000 फॉर 25,000 टू मोहन एंड रिसीव 7,000 कैश. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको उस क्वेश्चन की एंट्री को क्या करना है, ब्रेक करके करना है. सबसे पहले ये समझते हैं कि 7,000 रुपीज हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है. तो आपने कैश में 7,000 रुपीज लिख दे रहे हैं. अब आपने ये देखना है सामान कितने रुपए का गया, 20,000 का सामान था तो 20,000 आपने स्टॉक से क्या कर देना है, माइनस कर देना है. क्लियर? सामान कितने में बेचा हमने, 25,000 में बेचा, जिसमें से 7,000 हमारे पास क्या आ गया है, कैश आ गया है. इसका मतलब 18,000 अभी तक हमारे पास नहीं आया है. तो इसको हम बनाएंगे डेटर. जब हमें पैसे मिलने होते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, डेटर. देखिए 18 प्लस 7 कितना हो गया, 25 हो गया ना. यानी 25,000 में से 7,000 कैश आ गया है, बाकी 18,000 मैंने क्या बन गया हूं, मैं डेटर बन गया हूं. अब यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 20,000 का सामान कितने में बेचा है, 25,000 में. यानी मुझे कितने का फायदा हो रहा है, 5,000 का. तो आपने कैपिटल में 5,000 रुपए प्लस कर देने. अगेन लाइन ड्रॉ कर लीजिए ट्रांजेक्शन के बाद. अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनती है, 1,07,000 तो क्या हो गया हमारे पास, कैश आ गया. 10,000 हमारे पास बचा है स्टॉक. 18,000 अब हमारे पास है डेटर. क्रेडिटर है हमारे 30,000. 1,05,000 है हमारे पास कैपिटल. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पेड सैलरी 5,000, 1,000 अनपेड. देखिए ये एक ट्रांजेक्शन नहीं आई है. ठीक है, तो उसको जरा ढंग से समझेंगे कि पेड सैलरी कर रहे हैं 5,000 और 1,000 अभी तक पे नहीं किया है. तो करना क्या है आपने, आपने 5,000 जो पे कर रहे हैं वो अपने कैश से माइनस करना है क्योंकि आप अपने कैश से ही पे करेंगे. क्लियर? 1,000 जो पे नहीं हुआ है उसे सैलरी आउटस्टैंडिंग करके लाइबिलिटी में कॉलम बनाएंगे और वहां पर 1,000 लिख देंगे सैलरी आउटस्टैंडिंग करके, और कैपिटल से 6,000 माइनस कर देंगे क्योंकि 5,000 प्लस 1,000 ये सैलरी हमें पे करनी है. तो ये 6,000 कहां से माइनस कर दिया आपने, कैपिटल से माइनस कर दिया. ठीक है, अगेन लाइन ड्रॉ करेंगे. न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश बनेगा हमारे पास 1,02,000. 10,000 हमारे पास है स्टॉक.
18,000 है हमारे पास डेटर, 30,000 है हमारे पास क्रेडिटर, 1,000 है सैलरी आउटस्टैंडिंग, और अब 99,000 हो गया हमारा कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रिसीव कमीशन 2,500 एडवांस। इससे पहले वाली वीडियो में हम ये एंट्री कर चुके हैं, तो इसमें क्या करना है, जितना कमीशन रिसीव कर रहे हैं यानी 2,000 को हमने क्या करना है, कैश में प्लस करना है। 500 एडवांस आया है तो लायबिलिटी में कमीशन एडवांस करके कॉलम बनाएंगे और 500 यहां शो करेंगे। 1500 रुपीज को आप कैपिटल में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, 2000 हो गया। सो न्यू क्वेश्चन क्या बनती है, 1,04,000 हमारा कैश बनता है, स्टॉक बनेगा हमारे पास 10,000, डेटर बनेगा हमारे पास 18,000, क्रेडिटर जो है वो है हमारे पास 30,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1,000, कमीशन एडवांस 500 एंड 1,05,000 अब हमारी हो गई है कैपिटल। क्लियर? नेक्स्ट कहता है सोल्ड गुड 5,000 एट लॉस ऑफ 500। अब ये भी एंट्री नहीं है, जरा ढंग से समझना, मैंने सामान बेचा है 5,000 का 500 के नुकसान पे, यानी मेरे पास कितने रुपए आए होंगे, 5,000 में से 500 माइनस करिए, 4,500 मेरे पास आए हैं, तो आपने कैश में क्या करना है, 4,500 प्लस करना है, स्टॉक से आपने 5,000 को माइनस करना है क्योंकि 5,000 का सामान बेचा है, और 500 का लॉस हुआ है तो 500 के लॉस को आपने कैपिटल से माइनस करना है। ठीक है, तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, 1,08,500 तो हमारा क्या बन गया, कैश, 5,000 का स्टॉक बचा हमारे पास, 18,000 हमारे डेटर हैं, 30,000 हमारे पास क्रेडिटर हैं, 1,000 सैलरी अनपेड है, 500 कमीशन है और 1,00,000 आप कैपिटल लेना। ठीक है, अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, रिसीव 17,400 बाय चेक टू सेटल मोहन अकाउंट। देखिए मोहन का क्वेश्चन यहां पर है, ये थर्ड एंट्री मोहन की है, तो मोहन हमारा डेटर था जिससे हमें 18,000 रिसीव करने थे, तो मोहन का अकाउंट कैसे सेटल हो गया, मोहन ने कहा कि मैं आपको एक चेक दे रहा हूं 18,000 के बदले, कितने रुपए का चेक दिया, 17,400 का। तो देखो चेक दे रहा है तो बैंक का कॉलम बनेगा क्योंकि चेक के ट्रांजेक्शन कौन करेगा, बैंक करेगा, तो 17,400 हमने क्या करना है, बैंक में डालना है और 18,000 से 18,000 को माइनस करना है क्योंकि इसका अकाउंट हमें क्लोज करना है, जीरो बनाना है इसको। ठीक है, तो अब हमें को एक चीज नोटिस करनी है कि हमें यहां पर मिलने थे 18,000 लेकिन मिले 17,400, यानी 600 का हमें नुकसान हो गया, तो जो लॉस होगा वो कैपिटल से माइनस हो जाएगा। तो अब हमारी जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, 1,08,500 तो हमारे पास हो गया कैश, 5,000 हमारे पास है स्टॉक, जीरो हो गया हमारा डेटर, अब हमें पूरा हिसाब हमने इसका क्लियर कर दिया है, 17,400 हमारे पास बैंक में पैसा आया है, 30,000 हमारा क्रेडिटर है, 1,000 हमारा सैलरी आउटस्टैंडिंग, 500 कमीशन एडवांस एंड 99,400 अब हमारा क्या हो गया है, कैपिटल हो गया है। क्लियर? नेक्स्ट, रिटर्न गुड टू अमित 2,000। अमित की एंट्री कौन सी है, सेकंड वाली है, यानी 30,000 हमने अमित को अभी पे करने हैं 30,000 रुपीज, जिसमें से अब क्या हो रहा है, हमसे 2,000 का गुड्स वापस कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे, अपने स्टॉक से 2,000 रुपीज माइनस करेंगे क्योंकि गुड्स वापस कर रहे हैं और हमने उसे 30,000 देने थे तो उसको 2,000 रुपीज का गुड हमने वापस कर दिया, तो इसका मतलब हम उसके क्रेडिटर के अकाउंट से भी 2,000 रुपए माइनस कर देंगे। हमारी न्यू क्वेश्चन बनेगी 1,08,500 तो हमारा कैश रहेगा, 3,000 हमारे पास स्टॉक है, डेटर हमारा जीरो है, 17,400 हमारे पास बैंक बैलेंस है, 28,000 अब हमें उधार चुकाना है, ये हमारा क्रेडिटर बचा है, 1,000 सैलरी आउटस्टैंडिंग, 500 कमीशन और कैपिटल है 99,400। ओके, सो नेक्स्ट एंट्री आती है डिपॉजिट इन बैंक 60,000। देखिए ये एंट्री भी एक नई आई है, डिपॉजिट इन बैंक, तो इसमें क्या करेंगे, जब आप डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो अपने कैश से माइनस कर देंगे क्योंकि आपकी जेब से ही तो जाएगा पैसा, और बैंक में जमा कर देंगे बस, और कुछ नहीं करना।
यानी हमें 60,000 रुपीज क्या करना है, कैश से माइनस करना है और बैंक में 60,000 को प्लस करना है, बस यही इसकी एंट्री है। तो अब हमारी न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, कैश हो जाएगा हमारा 48,500, स्टॉक हमारा 3,000 ही रहेगा, डेटर जीरो है, बैंक बैलेंस अब हमारा हो गया 77,400, क्रेडिटर हमारे हैं 28,000, 1,000 हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग, 500 हमारे पास क्या है कमीशन एडवांस, एंड 99,400 हमारे पास है कैपिटल। क्लियर। लास्ट एंट्री कहती है इशू चेक टू अमित ऑफ रुपीज 27,200 इन फुल सेटलमेंट। अमित कौन है, अमित हमारा ये क्रेडिटर है जिसके जिसे हमने 28,000 रुपीज देने हैं, लेकिन हमने क्या किया, अमित को 28,000 की जगह एक चेक दे दिया, कितने रुपए का, 27,200 का, और बोला आपका अकाउंट हम क्लोज कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, चेक दे रहे हैं तो 27,200 तो पहले हम अपने बैंक बैलेंस से माइनस कर देंगे, क्रेडिटर को जीरो बनाना है तो 28,000 में से 28,000 को माइनस करेंगे तभी जीरो होगा। अब यहां पर एक चीज नोटिस करिए आप कि देने थे 28,000 हमने, लेकिन हमने दिए 27,200, इसका मतलब हमें 800 का क्या हो गया प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल में क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो अब हमारी सारी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई है, अब जो बनेगी वो बनेगी हमारी फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन कहती है कि कैश होगा 48,500, 3,000 होगा हमारे पास स्टॉक, डेटर जीरो होंगे, 50,200 हमारे पास बैंक बैलेंस बचता है, क्रेडिटर हमारे जीरो हैं, 1,000 सैलरी अनपेड है, 500 कमीशन है, एंड 1,200 हमारे पास कैपिटल है। अगेन इंपॉर्टेंट चीज, क्वेश्चन के एंड में क्या करते हैं हम, लायबिलिटी साइड को असेट साइड के बराबर होना चाहिए तभी हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा। तो 1,200 प्लस 500 कितना हो गया 1,700 प्लस 1,000 1,17,500, और अगर हम 48,500 प्लस 3,000 प्लस 5,200 करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिकली उतना ही होता है, इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। सो क्लास, अब जो हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे उसमें भी एक मैं नए क्वेश्चन के साथ आऊंगा जिसमें कुछ नई एंट्रीज होंगी। क्लियर। थैंक यू वेरी मच। जब तक आप इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस जरूर करिए। ओके, थैंक यू।